एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने पीले काले दांतों को किस तरह से साफ कर सकते हैं। अगर आप बहुत जल्द चाहते हैं कि आपके दांत बिल्कुल सफ़ेद हो जाए, मोतियों की तरह, दूध की तरह आपके दांत बिल्कुल सफ़ेद हो जाए, आपके दांतों के ऊपरली साइड पे इस एरिया पर दांतों पे काला काला सा जम जाता है, यहाँ पर नीचे दांतों पे काला काला सा जम जाता है, दांत पीले हो जाते हैं, क्यों होते हैं? सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ, आजकल चाहे बड़े हैं या छोटे हैं, हम अपने दांतों की प्रॉपरली सफाई तो नहीं करते हैं, है ना। अगर सफाई कर भी लेते हैं तब भी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिसकी वजह से हमें कैविटी हो जाता है। अगर हम ड्रिंक करते हैं, शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, या फिर आप पान वगैरह खाते हैं, तो उसकी वजह से हमारे दांत जो है वो खराब होना शुरू हो जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक आप पीते हैं, उसकी वजह से भी दांत खराब होते हैं। अगर रात को ब्रश नहीं करते हैं तब भी दांत खराब होते हैं। बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिनकी वजह से हमारे दांत पीले काले पड़ने शुरू हो जाते हैं और दांतों में दर्द होना शुरू हो जाता है। अगर आप अपने दांतों का दर्द गायब करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, अपने पीले काले दांतों को सही करना चाहते हैं, सफ़ेद बनाना चाहते हैं, तो मेरे इस पूरे वीडियो के साथ बने रहिए, क्योंकि बताने वाली हूँ बहुत आसान से टिप्स एंड ट्रिक्स और घरेलू नुस्खे जिसकी मदद से आप अपने पीले दांतों को सफ़ेद कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि ड्रिंक और सिगरेट पीने से क्या सच में दांत पीले पड़ जाते हैं? बिल्कुल पड़ जाते हैं, क्योंकि उससे हमारे जो दांतों की नेचुरल ऊपरली सतह होती है वो खराब हो जाती है, कैविटी हमारे दांतों में बन जाती है, जिसकी वजह से दांत काले काले से पड़ने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपके दांत नेचुरल तरीके से सफ़ेद हो जाएं और आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ना पड़े, और अगर आपके दांतों में दर्द हो रहा है, आपके दांतों के अंदर दर्द हो रहा है, कैसे उसे ठीक कर सकते हैं नेचुरल तरीके से, तो आपको बताती हूँ। सबसे पहला टिप्स जो है, सबसे पहला घरेलू नुस्खा वो है दोस्तों, एक कुल्लू करना है। आपने क्या करना है, आधा गिलास पानी लेना है, उसके अंदर मोटी सी एक टुकड़ी जो है फिटकड़ी वो डाल देनी है। फिटकड़ी उसके अंदर डाल दीजिए, 10 मिनट तक उसे घोलते रहिए, 10 मिनट तक उसके अंदर रखें पानी के अंदर। उसके बाद जो पानी हो उससे आपने कुल्लू करना है, जस्ट कुल्लू करना है। आपने जितना भी पानी है अपने मुंह में रखें और इस तरह से आसपास घुमाते रहें उस पानी को, और फिर 2 मिनट तक रखने के बाद उसे कुल्लू कर लीजिए। अगर आप वीक में 2 बार इसका यूज करते हैं तो आपके दांतों में कभी दर्द नहीं होगा। अगर हो रहा है तो बहुत आपको रिलैक्स फील होगा। और इसके अलावा जो लौंग होता है, घरों में चाय के अंदर लौंग डालते हैं हम, इलायची जिसे बोलते हैं, लौंग आपने लेना है। लौंग के जो ऊपर का हिस्सा होता है, एक बहुत प्यारी सी टोपी सी बनी होती है, आपने उसे उतारना है और अपने दांतों में रख लेना है। जहां पर भी आपको दर्द हो रहा है आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा, आपको बहुत ठंडक भी पहुंचेगी। अब मैं आपको बताती हूँ एक ऐसा घरेलू नुस्खा जिसकी मदद से आप अपने दांतों को, पीले काले दांतों को सही कर सकते हैं। दोस्तों, नमक हर घर में होता है, सरसों का तेल हर घर में होता है। आपने एक चम्मच या फिर अपने हाथों के ऊपर ही थोड़ा सा आपने नमक डालना है, थोड़ा सा आपने उसके अंदर सरसों का तेल डालना है, हल्की सी हल्दी, बहुत ही कम पिंच हल्दी डाल देनी है। तीनों को मिक्स करके दांतों पर अच्छी तरह से फिंगर की मदद से ब्रश टाइप कीजिए। अगर आप एक दिन छोड़ के इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके दांतों का पीलापन बिल्कुल खत्म हो जाएगा, और काला दांतों में फंस गया है, काला कालापन जो आ रहा है और कैविटी जम गई है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन आपको एक दिन स्किप करके या फिर हर रोज आप इसका इस्तेमाल जरूर करना होगा आपको, अगर आप कैविटी को खत्म करना चाहते हैं। और इसके अलावा तुलसी के अंदर एंटीबैक्टीरियल तत्व होते हैं जो आपके दांतों को सही करने में बहुत हेल्प करते हैं। आधा चम्मच आपने तुलसी का पाउडर लेना है, उसके अंदर आपने थोड़ा सा, घर पे भी तुलसी का पाउडर आप बना सकते हैं, पत्तों को सुखाकर उसका पाउडर तैयार कर लीजिए। उसके अंदर आपने डालना है लेमन जूस, लेमन जूस डाल के उसका एक स्क्रब बना लीजिए, और अपने दांतों पे अच्छी तरह से बाहर अंदर अच्छी तरह से फिंगर की मदद से या फिर ब्रश के ऊपर लगाकर अच्छी तरह से कीजिए। आपके जितने भी दांतों के अंदर बैक्टीरिया हैं वो खत्म हो जाएंगे, दांत बिल्कुल साफ हो जाएंगे, क्लीन हो जाएंगे। एक दिन छोड़कर आप इसका इस्तेमाल जरूर कीजिए अगर आप अपने दांतों को साफ करना चाहते हैं, मोतियों की तरह बनाना चाहते हैं।
और इसके अलावा बहुत ही आसान सा टिप्स जो है वो लास्ट वाला वो ये बताऊंगी, कोलगेट हम सब करते हैं, कोलगेट के अंदर अगर आप थोड़ा सा लेमन जूस डालकर मिक्स करके ब्रश पे लगाकर अच्छी तरह से ब्रश करते हैं तब भी आपका जो दांत है वो बिल्कुल साफ सुथरे हो जाएंगे। वो क्यों दोस्तों? क्योंकि लेमन के अंदर नेचुरल ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, एंटी बैक्टीरियल तत्व होते हैं और जो आपके दांतों को सफ़ेद करने में बहुत हेल्प करते हैं और जितने भी बैक्टीरिया आपके दांतों में घुस गए हैं उन्हें निकाल कर साफ करने में हेल्प करता है। ऑफकोर्स कोलगेट हम सब करते हैं, जस्ट उसके अंदर आपने लेमन जूस ही डालना है, थोड़ा सा लेमन जूस और थोड़ा सा कोलगेट दोनों को मिक्स करके ब्रश पे कीजिए। हर रोज ऐसा करने से एक हफ्ते के अंदर आपके दांत बिल्कुल सफेद हो जाएंगे। पहली बात तो आपको पहली बार में ही रिजल्ट आपको पता चल जाएगा, आपका जो बिफोर आफ्टर का पिक्चर आप क्लिक कर लीजिए अपने फोन में और फिर देखिएगा कि ब्रश करने के बाद और ब्रश के पहले आपको कितना फर्क पड़ा है। और जितने भी आपको मैंने आज रेमेडीज बताई हैं आप ऐसा कर सकते हैं कि करने से पहले एक पिक्चर क्लिक कीजिए और करने के बाद आप एक पिक्चर क्लिक करें, दोनों को फिर एकदम चेक करके देखें कितना फर्क आपको नजर आया है और 1 वीक तक कंटिन्यू करेंगे तो आपको 1 वीक तक भी रिजल्ट आपको पता चलेगा। तब भी आप पिक्चर्स को दोनों को मिलाकर देख सकते हैं कि कितना आपको पर दिन हर दिन कितना कितना फर्क आपके दांतों में फर्क पड़ना शुरू हुआ है, कैविटी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, दांत बिल्कुल सफेद हो जाएंगे, पीलापन बिल्कुल उतर जाएगा। जरूर ट्राई करें, कोई इसका नुकसान नहीं है, इससे आपको सिर्फ और सिर्फ फायदा ही मिलेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों तक और वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करके अपने विचार मेरे साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको पसंद आई है वीडियो तो भी, अगर नहीं पसंद आई है तो भी, अगर नहीं पसंद आई है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना क्यों पसंद नहीं आई है ताकि मैं अपनी आने वाली वीडियो को थोड़ा सा करेक्ट कर पाऊं, आपके साथ चल पाऊं ताकि आपको मेरी हर वीडियो पसंद आए। मिलती हूँ नए वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।